मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। 19 जनवरी को कौसा स्थित खड़ी मशीन रोड पर डायमंड हॉल में मुमरा पुलिस की ओर से एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में थाने जोन 1 के DCP गणेश गावड़े, ACP भोसले, उसके अलावा मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंचार्ज कोल्हटकर, कलवा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंचार्ज थोराट, वहीं पर डाइगर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंचार्ज और ट्रैफिक विभाग के सीनियर इंचार्ज खेड़ेकर समेत सभी NGOs और उलमा इकराम यहाँ पे उपस्थित थे। दरअसल आपको बता दें, इस मीटिंग का मकसद ये था कि जिस तरीके से मुमरा शहर में जो ड्रग्स को लेकर जो मामले चल रहे हैं, मुमरा पुलिस ने इसके ऊपर एक मुहिम चलाई है और कहीं ना कहीं मुमरा पुलिस ने इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की है। कई लोगों को उसने गिरफ्तार करके उन पर मामले दर्ज किए हैं। वहीं पर जिस तरीके से मुमरा शहर में जो ट्रैफिक का मुद्दा भी इन दिनों काफ़ी गरमाया हुआ है और आने वाले 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का जो निर्माण किया जा रहा है उसको लेकर भी इस मीटिंग में तमाम लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। क्या कुछ कहा इस मीटिंग को लेकर DCP गणेश गावड़े ने, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। आज कलवा डिवीज़न में जो 3 पुलिस स्टेशन है, कलवा पुलिस स्टेशन, मुमरा पुलिस स्टेशन और डाइगर पुलिस स्टेशन है, तीनों पुलिस स्टेशन की पीस कमेटी मीटिंग ली गई। पीस कमेटी मीटिंग में एंटी ड्रग्स ड्राइव शुरू है उसके बारे में डिस्कशन हुआ, ट्रैफिक के इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन हुआ। वो डिस्कशन के समय जो शांतता कमेटी के सदस्य है उन्होंने उनके विचार यहाँ पे व्यक्त किए, कुछ सजेशंस हमने ली, उनके सभी पॉइंट्स हमने नोट करके लिए हैं और जो सुधारना हम ट्रैफिक रिलेटेड कर सकते हैं उसके लिए हम अभी प्लान ऑफ एक्शन करके उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। नंबर 2, जो एंटी ड्रग्स ड्राइव शुरू है, नए CP सर श्री आशुतोष डुमरे सर आए तब से स्पेशल ड्राइव शुरू है। जो नारकोटिक के केसेस है, ड्रग्स के केसेस है, वो कंजम्पशन करने वाले केसेस और वो पजेशन के केसेस में काफ़ी हमने फोकस किया है और ज़्यादा से ज़्यादा केसेस शुरू है। पब्लिक की मदद से और पुलिस की एक्शन, ये दोनों की शुरू रहे ऐसे ही तो फिर ये पूरा कंट्रोल में आ जाएगा और ड्रग्स फ्री मुमरा और ड्रग्स फ्री थाने बन जाएगा। ये ट्रैफिक का इशू सॉल्व करने के लिए टीम वर्क ज़रूरी है। इसमें ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक के साथ ट्रैफिक ब्रांच है, उसके साथ पुलिस स्टेशन, महानगर पालिका और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ के नागरिक। इन्होंने अगर कोऑपरेट किया तो ये टीम वर्क है ऐसा देखा तो फिर ये कंट्रोल में आ जाएगा और इसके लिए हमारी कोशिश शुरू है। पुलिस की तरफ से 22 जनवरी के लिए बंदोबस्त सभी जगह पे लगाया गया है। कैमराज रहेंगे, ड्रोन कैमराज रहेंगे, प्लेन क्लोथ में यूनिफॉर्म में भी बंदोबस्त रहेगा और सभी जगह पे हम सभी समाज के सभी घटकों से के संपर्क में है कि शांति से ये प्रोग्राम हो, शांति से सभी शहर के नागरिक शांति से रह सके, इसके लिए हमारी कोशिश शुरू है।